हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ में एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड और थर्ड की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। ओके, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा किस तरीके से इसे यहाँ पर बताएंगे। देखिए, आपको बोला गया है यहाँ पर गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14। आपको बोला गया है ये पॉइंट है 2 and 14, इन दोनों पॉइंट से आपको एक इक्वेशन बनाना है। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको इक्वेशन बताना है, और हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई, है ना। और आपको ये बताना है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन यहाँ पर पास हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर अपन देखेंगे, ध्यान समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर होगा। देखिए, जैसे मैंने बोला आपको, यदि ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो इट मींस ये कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है कि ये जो वाला पॉइंट है ये क्या है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, वाई का कोऑर्डिनेट। ओके, अब इससे आपको यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन वेरिएबल के फॉर्म में किस तरीके से बनेगी, देखिए जैसे मैंने बोला, मान लीजिए मेरी फर्स्ट इक्वेशन मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 16 होगा क्या। देखिए, एक्स जो है वो 2 है, वाई जो है वो कितना, 14, तो 2 + 14 जो होगा वो 16। तो इट मींस मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन अपनी दो वेरिएबल के फॉर्म में इस तरीके से बन सकती है। ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मान लीजिए मेरे को सेकंड इक्वेशन बनानी है इसकी। ओके, तो सेकंड इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे, अब देखिए ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए ये x है 2, y है 14, मान लीजिए मैं दोनों को बराबर रख देता हूं, x इक्वल टू y, पर दोनों क्या बराबर है क्या, x 2 है, y कितना है, 14 है। तो मैंने देखा x 2 है, y 14 है, तो यदि 2 को 14 बनाना है तो 2 में काय का मल्टीप्लाई करना होगा, 7 का। तो मतलब ये 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके, तो मतलब इट मींस मैं बोल सकता हूँ 7x, y इधर आएगा माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन यहाँ पर बनाना होगी। तो मैं आपको यहाँ पर दो इक्वेशन बना के बता दी है, तो इस तरीके से आप इन्फाइनाइट इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूँ भले यहाँ पे, इनफैक्ट वी कैन फाइंड इनफाइनाइट इक्वेशन। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इनफाइनाइट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दो इक्वेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। आपको इक्वेशन बोला था तो आपने इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑन द ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू x प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए, आपको यहाँ पर पॉइंट गिवन है 3 and 4। अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को देख के आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज अवर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज अवर वाई कोऑर्डिनेट। सो हियर एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 4। ओके, एंड जो ये पॉइंट है वो लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन पे 3y इक्वल टू x प्लस 7 पे। ओके, और यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ a करना है, इस a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखा मेरे पास y और x की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, पुट अप। तो यहाँ पर मैंने देखा 3y जो है वो 4 है इज इक्वल टू a इंटू एक्स जो है वो 3 है प्लस 7। तो इट मीन 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 7। तो इट मीन मैंने देखा 12 + 7 इधर आया -7 इज इक्वल टू 3 है। तो इट मीन a इक्वल टू 3a इक्वल टू 12 - 7 इज इक्वल टू 5। इट मीन we can see that, say that a value is 5/3। okay, so here our value of a is 5/3। और find क्या करना था, a की तो value find out करनी थी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर question number third क्या होगा, complete होगा। so here our question number second and question number third of exercise 4.3 is completed। if any doubt in this question then comment in the comment box। okay, thank you।